नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभ कुमार टेक टाइम के साथ। और दोस्तों, हमारे पास जो ब्लूटूथ के ईयरफोन होते हैं, कभी कभी उसमें जो माइक है उसकी प्रॉब्लम आने लगती है। वो कभी कभी बहुत ही कम वॉइस प्रोड्यूस करता है या फिर वॉइस प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास है ये कहाँ पे आज ब्लूटूथ ईयरफोन बोट का जो रॉकर्स मॉडल आता है वो है, जिसके साथ भी कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम जो है आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लूटूथ ईयरफोन जो कि माइक की प्रॉब्लम होता है उसके लिए बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप कर लेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए हम मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं और उसमें अपना जो कि हमारा ये ब्लूटूथ ईयरफोन है इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा कनेक्टेड हो गया। कनेक्टेड होने के बाद हम इसमें जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसमें जाते हैं और यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि कितनी वॉइस जो है यहाँ पे ये प्रोड्यूस अपनी कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही कम, आप देख रहे हैं बास बहुत कम आ रहे हैं, तो बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि इसमें जो है इसका माइक जो है प्रॉब्लम कर गया हो। और अगर दोस्तों कभी कभी ये बिल्कुल भी ना प्रोड्यूस करे तो इसमें एक स्टेप और कर देते हैं हम। इसमें आपको सिंपली से क्या करना होता है, ब्लूटूथ में सेटिंग में जाना होता है और जो भी आपका यहाँ पे पेयर्ड जो कि ब्लूटूथ है उसको एक बार आप यहाँ से अनपेयर करके इसको दोबारा से पेयर कर लीजिए। तो दोस्तों, कभी कभी इससे भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, ये हम यहाँ पे इसको दोबारा से पेयर कर लेते हैं। पेयर करने के बाद दोबारा से हम साउंड रिकॉर्डर में जा करके चेक करते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो अभी भी दोस्तों ये कम ही वॉइस प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि हमारे इसमें मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ब्लूटूथ की, ये इसमें माइक में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसको अब हम साइड कर देते हैं और ये जो हमारा ब्लूटूथ का ईयरफोन है जहाँ पे हमारे कंट्रोल्स वगैरह होते हैं इसी में इसका माइक लगा होता है। तो ये वाला साइड हमें यहाँ से ओपन करना होगा, तो इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसका ये ऊपर से जो कैप है वो खोल लिया है और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसका माइक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटा सा ये। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है इसके ऊपर कुछ वूलन या कुछ गद्दीदार चीज़ लगी होती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिंपल जो है माइक लगा हुआ है और ये बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी जो वॉइस है दोस्तों वो यहाँ से फिल्टर होकर आगे बढ़ती है। तो एक बार हम इसके जो फिल्टर है यहाँ से इसको निकाल देते हैं, कहीं इसमें धूल धक्कड़ तो नहीं है। ये देखिए बिल्कुल चिपका हुआ है। तो दोस्तों, मेरे को वहाँ पे देखिए ये वाइट वाइट सा कुछ नज़र आ रहा है। ये देखिए वाइट सा कुछ घुस गया इसमें, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है वॉइस प्रॉपर इसमें नहीं जा रही थी। ये देखिए, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और इसका फिल्टर बाकी इतना गंदा नहीं है, नया ही है ये, ओके है। और दोस्तों, मेरे को लगता है कि अब ये फ़र्क फाइन करेगा, क्योंकि इसकी वॉइस तो आ रही थी लेकिन कम आ रही थी, पूरी तरह से बंद नहीं था। अगर पूरी तरह से बंद होता तो इसका जो माइक है वो ख़राब हो गया होता। तो फटाफट हम इसको बंद कर देते हैं और जो टेस्ट करते हैं क्या मेरे को आउटपुट मिलता है। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया और चलते हैं अपने यहाँ पे स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। हेलो 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 हेलो, तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉइस जो है वो ठीक ठाक अब यहाँ पे आने लगी है। दोस्तों, आई होप कि वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा के चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।